word from the moon begins. Invasion. They have got the... We are the promise delivered to all mankind. आज जो साइफाई फिल्म में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये मोस्टली कॉमेडी फिल्में हैं। इसी खातिर इसका कुछ कुछ प्लॉट्स लॉजिकल नहीं है, पर इसकी कहानी थोड़ी अलग होने के कारण मैं व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर आज इसे एक्सप्लेन करूंगा। फिल्म की शुरुआत 2018 के समय से शुरू होती है, जब एक अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट बूस्टर से डिसएंगेज होने के बाद चांद पर सफलता से मून लैंडिंग करता है। पर चांद पर कदम रखते ही उनमें से एक एस्ट्रोनॉट को भारी मात्रा में हीलियम 3 डिटेक्ट होता है, और जैसे ही वो उसे ट्रैक करते हुए चांद के सबसे हिडन डार्क किस्से में पहुंचता है, वो वहीं का वहीं जम जाता है, क्योंकि चांद पर कोई भारी मात्रा में हीलियम 3 की खुदाई कर रहा होता है। पर इससे पहले कि वो अपने साथी को इसके बारे में खबर करे, उसे कुछ नाजी के पोशाक में कुछ लोग उसे वहीं ढेर कर देते हैं। दूसरा एस्ट्रोनॉट जेम्स भागने की कोशिश करता है, पर वो उसके स्पेसक्राफ्ट को ही नष्ट कर देते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। और अब नाजी का प्रसिद्ध स्वास्तिका चिन्ह में बना फोर्ट्रेस देखने के बाद रिवील होता है कि 1945 के समय में कुछ नाजी की सेना भागकर चांद के डार्क साइड के हिस्से में पना ले ली, जो अंडर लीडरशिप ऑफ मेन फ्यूरर और सेकंड इन कमांड अल्डर फिर से धरती पर राज करने की कोशिश में है। पर इससे पहले कि वो जेम्स को टॉर्चर करके उसके मिशन के बारे में पता करे, वो तुरंत भाग पड़ता है। हालांकि उसका एस्केप राइट स्मूथ साबित नहीं होता और वो सीधे एल्डर पे ही जा गिरता है। भागने के चक्कर में वो एयरलॉक डोर को ओपन कर देता है, जिसमें वन ऑफ नाजी रेनेड, जो दरअसल स्वभाव और विचार में बाकी नाजी से एकदम अलग, वो भी मरते मरते बचती है अगर सही समय पर जेम्स ने उसे बचाया नहीं होता। पर अंत में जेम्स नाजी के हाथ लग जाता है। जेम्स से मोबाइल जब्त करने के बाद नाजी साइंटिस्ट को यकीन नहीं होता कि एक छोटा सा डिवाइस उनके 1945 के कंप्यूटर से भी पावरफुल है। वो काफी समय से अपने सबसे शक्तिशाली हथियार कॉल्ड गॉटो डैमरंग पर काम कर रहे हैं, पर उसे ऑपरेट करने के लिए उन्हें मोबाइल जैसे ही एक कंट्रोल यूनिट की जरूरत थी। वहीं धरती पर अमेरिकन प्रेसिडेंट जरा भी खुश नजर नहीं आती कि उनका चांद का मिशन फेल रहा, क्योंकि कनेक्शन टूटने के बाद से उन्हें कोई क्लू नहीं कि आखिर स्पेसक्राफ्ट का क्या हुआ, जिसे उन्होंने जनता का सेंटीमेंट पाने के लिए अपने री इलेक्शन को जीतने के लिए एक अफ्रीकन अमेरिकन को चांद के मिशन पर जानबूझकर भेजा था। पर अब उनका इलेक्शन स्ट्रेटेजी फेल होता देख वो अपने कैंपेन एडवाइजर विवियन को न्यू स्ट्रेटेजी तैयार करने का आदेश देती है, जिसके कारण अब विवियन पर न्यू स्ट्रेटेजी तैयार करने के लिए प्रेशर बनने लगता है। ऊपर से मैडम प्रेसिडेंट को यूनाइटेड को जवाब देना पड़ता है कि आखिर उनके चांद पर जाने का असली कारण क्या था, क्योंकि उन्हें शक रहता है कि अमेरिकन्स की चांद की सतह पर छिपे हीलियम 3 पर नजर है। पर वो सभी आरोपों को साफ नकार देती है। इस तरफ हमें मालूम पड़ता है कि एडलर का प्लान अपने हथियार गॉटर डिनेमबर्ग के मदद से धरती पर कब्जा करने के बाद अगला मेन फ्यूरर बनने का है। कुछ देर बाद नाजी साइंटिस्ट मोबाइल के कंप्यूटर पावर का यूज करके अपने शक्तिशाली गॉटर डैमरंग को रिजरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो काम करता नजर आता है, पर फोन की बैटरी लो होने के कारण वो सीधे ठप पड़ जाता है। इससे कम से कम उन्हें समझ जाता है कि धरती के मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से गॉटोडियरम स्पेसक्राफ्ट में जान भरी जा सकती है, इसलिए एडलर वॉलंटियर करता है धरती पर जाकर ऐसे और डिवाइसेस लाने के लिए। वहीं नाजी लोगों को अपने अलावा सभी जाति से नफरत, वो जेम्स को उनकी तरह व्हाइट में बदल देते हैं और एडलर उसे अपने साथ धरती ले चलता है उनकी मदद करने के लिए उन मोबाइल डिवाइसेस को लूटने में, और सभी अपने ओल्ड जनरेशन UFO स्पेसक्राफ्ट में धरती के लिए निकल पड़ते हैं। पर लैंड करने पर अल्डर को पता चलता है कि रेनेड भी चोरी से उसके साथ आ गई, जिस पर वो भी अपना इवल प्लान रिवील करता है कि उसका प्लान मोबाइल डिवाइसेस लूटने का नहीं, बल्कि वो खुद धरती पर कब्जा करके अगला मेन फ्यूरर बनना चाहता है। इसलिए वो अमेरिकन प्रेसिडेंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मैडम प्रेसिडेंट की चीफ एडवाइजर विवियन को अगवा कर लेता है और जेम्स को चलती गाड़ी से ढकल कर उससे छुटकारा पा लेता है। एल्डर विवियन को बहुत धमकाता है कि उसका प्लान धरती से बुरे लोगों को खत्म करके एक नया प्योर जाति का जग तैयार करने का है, पर विवियन का उसका नाजी होना या उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता। पर एडलर के करिश्मा और उसकी पर्सनैलिटी, वहीं रेनेड के बीच टैलेंट से प्रभावित होकर वो उसे उन्हें मैडम प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैंपेन में उनका प्रयोग करने के लिए तय करती है, जिससे देखते ही देखते मैडम प्रेसिडेंट की लोकप्रियता बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जेम्स, जिसका अब रूप बदल गया है, जिसके कारण कोई उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा कि वो चांद से लौटा हुआ है, वो लोगों को नाजी के प्लान के बारे में आगाह करने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसके बातों पर यकीन नहीं करता। पर भाग
भाग्य से उसे रेनेट मिलती है, जिसे वो जल्दी ये यकीन दिलाने में सफल हो जाते हैं कि उनके पूर्वज नाजीज अच्छे इंसान नहीं थे और किस तरह उन्होंने लोगों पर जुल्म ढाया जिसके बारे में उन्हें कभी बताया ही नहीं गया था। यहाँ एडलर मैडम प्रेसिडेंट की सीक्रेट समझने के बाद वो टैबलेट कंप्यूटर डिवाइस लेकर चांद लौटने का तय करता है, पर तब तक मेन फ्यूरर को उसके ट्रीजन के बारे में पता चल जाता है और अपने जेपलिन जहाज सेना के साथ एस्ट्रॉइड्स को टो करते हुए वो कुछ ही देर में मेन फ्यूरर के आदेश पर धरती पर हमला करने वाले हैं। वहीं दुर्भाग्य से रेनेट भी जेम्स के साथ आ जाती है उनका प्लान में साथ ना देने का जानकारी देने के लिए, पर अब मेन फ्यूरर अल्डर के साथ रेनेट और जेम्स को भी मारने का आदेश देता है, पर भाग्य से विवियन वहीं मौजूद सभी को मशीन गन से ढेर कर देती है और उसके दिमाग की बत्ती फाइनली चमकती कि एल्डर का कहा सब कुछ सच था, कि वो सच में एक सर्वाइव नाजी है और उसका प्लान धरती पर कब्जा करने का है। वहीं अल्डर मौका देकर ट्रेटर रेनेट और जेम्स की भी जान लेने की कोशिश करता है, पर वो सही समय पर भाग निकलते हैं। इससे पहले कि विवियन भी एल्डर को कब्जे में ले, वो टैबलेट कंप्यूटर लेकर खुद को अब नाजी का नया मेन फ्यूरर घोषित करके अपने अंतिम प्लान धरती को नष्ट करने के लिए बेस के लिए निकल पड़ता है और जाते जाते वो अपनी सेना को धरती पर हमला करने का आदेश दे जाता है। और अब हजारों में नाजी की सेना यूएफओ लाइक बैटलशिप में धरती पर कहर ढाने लगती है, पर मैडम प्रेसिडेंट के लिए ये खुशखबर होती है क्योंकि नाजी को हराने के बाद उसका जनता की नजरों में और नाम होगा, इसलिए वो तुरंत नाजी को बराबरी का जवाब देने का आदेश देती है। वो विवियन को भी उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर उनके हाईली सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर नाजी को जड़ से खत्म करने के लिए भी अलाउ करती है। वहीं रेनेट जेम्स को मनाने में सफल हो जाती है कि उन्हें चांद पर लौटना होगा अल्डर को रोकने के लिए, वरना वो अपने सबसे शक्तिशाली हथियार गुआटोडिमरंग को एक्टिवेट करके एक ही बार में धरती को धूल में बदल देगा। जेम्स अंत में तैयार हो जाता है एक और कारण से कि नाजी के पास ही वो मशीन है जिससे उसका ओरिजिनल रूप लौट आ सकता है। वो सही समय पर निकल पड़ते हैं जब तक नाजी के शूट किए एक एस्ट्रॉइड पूरे शहर को निगल लेता है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंफ्यूजन में पड़ने लगते हैं कि चांद पर वो बेस किसका है। वो एक दूसरे पर ही शक करने लगते हैं क्योंकि वो अब भी नाजी के बारे में बेखबर हैं। पर बेस का क्लियर इमेज मिलने पर उनका शक सीधे भारत के मेंबर पर पड़ जाता है क्योंकि अनपढ़ गवारों को इतनी भी खबर नहीं होती कि दरअसल स्वास्तिका हिंदू कल्चर में सौभाग्य और समृद्धि का सिंबल है। पर एन मौके पर मैडम प्रेसिडेंट उन्हें नाजी के बारे में अपडेट करती है और उनसे लड़ने के लिए अपने स्पेस स्टेशन में छिपे सीक्रेट बैटलशिप के बारे में सभी को डिस्क्लोज करती है। इस तरह विवियन उसी बैटलशिप का कमान संभालते हुए एक एक करके नाजी शिप्स को सबक सिखाने लगती है, पर अंत में वो आउट नंबर होने लगती है और अब वो खुद भी नाजी का शिकार बनने ही वाली होती है। पर फिर बाकी नेशंस की भी सेना इंक्लूडिंग भारत का बैटलशिप स्पेस स्टेशन में छिपा अमेरिकन के साथ युद्ध में कूद पड़ती है, पर इससे मैडम प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इसका मतलब कि उन्होंने भी इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी के नियम को तोड़ा है, भले ही उन्होंने खुद भी ऐसा किया है। पर अंत में सभी इसके बारे में बाद में चर्चा करने का तय करते हैं। पर वही ऑल्डर सीधे गॉटोडेमरन स्पेसक्राफ्ट पर लैंड करता है और उनको अपना लीडर घोषित करने के बाद अपनी सेना को जंग में तैयार रहने का आदेश देता है। वहीं रेनेट और जेम्स भी चुपचाप कैसे तो गॉटोडेम स्पेसक्राफ्ट में पहुंचकर जेम्स तुरंत साइंटिस्ट को नॉकआउट करके टैबलेट कंप्यूटर यूनिट को नष्ट करने की कोशिश में लग जाता है। वहीं रेनेट ऑल्डर को रोकने के लिए निकल पड़ती है, पर इस तरह पूरे नेशन की सेना नाजी की सेना को पराजित करने के बाद विवियन के सिर पर युद्ध का भूत सवार होता है जो बिना सोचे समझे नाजी के फोर्ट्रेस को धूल में बदलने के लिए न्यूक्लियर हमले का आदेश दे देती है, जिसमें कई मासूम लोग जिनका इस युद्ध में कुछ लेना देना भी नहीं है वो भी इसके चपेट में आ जाते हैं। इससे पहले कि उन्हें नाजी के सीक्रेट हथियार का पता चले, ऑल्डर अपने बैटलशिप के इंजन को फायर करते ही हीलियम 3 एनर्जी की मदद से इंसान का बनाया अब तक का सबसे विशाल हथियार चांद की सतह को फाड़ते हुए निकलता है। उसके सामने बाकी नेशंस की विशाल सेना भी चीटिया की तरह नजर आती है। ऑल्डर धरती की तरफ अपना अल्टीमेट हथियार तोप को फायर करने का आदेश देता है, पर उनका बैटलशिप चांद के दूसरी साइड स्थित होने के कारण उन्हें डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट नहीं मिलता, इसलिए ऑल्डर चांद के एक पूरे हिस्से को तोप से उड़ाकर उसे राख में बदलकर लाइन ऑफ साइट क्रिएट करता है। वो अपना अगला निशाना धरती पर लगाने ही वाला होता है कि रेनेट उसे बंदूक के नोक पर रोक लेती है और अब दोनों में स्पेसक्राफ्ट के कंट्रोल के लिए लंबी झड़प हो जाती है। लंबे संघर्ष के बाद रेनेट उसे चकमा देकर ढेर करने में सफल हो जाती है। वहीं जेम्स भी सही समय पर टैबलेट कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट करके बैटलशिप को शटडाउन करने में सफल हो जाता है, पर इसके कारण बैटलशिप अब क्रैश लैंड करने लगता है। पर एन मौके पर रेनेट और जेम्स एस्केप पॉड के मदद से निकल आते हैं और बैटलशिप चांद पर बुरी तरह से क्रैश करके पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। पर जब यूनाइटेड नेशंस के लोग जश्न मना रहे होते हैं, बाकी नेशंस को चांद पर अमेरिकन का भी हीलियम 3 स्टोरेज टैंक्स का पता चलने पर सभी भड़क जाते हैं। उल्टा मैडम प्रेसिडेंट चांद को अपना हिस्सा मानने लगती है, सिंस वो पहले थे जिन्होंने
भी चांद पर लैंड किया। इससे बाकी और भी बढ़ जाते और अब सभी अपना अपना चांद पर दावा करने लगते हैं, जिसके कारण अंत में सभी में हाथापाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो हाथापाई एक युद्ध में बदल जाती है। वहीं इस तरफ रेनेट और कुछ सवाई वो बचे हुए के साथ चांद पर रहकर ही एक अलग शांतिप्रिय दुनिया जेम्स के साथ बनाने का तय करती है और फिर फिल्म सभी नेशंस के बीच न्यूक्लियर अटैक के लड़ाई के साथ ही खत्म हो जाती है। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करना और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखनी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।